हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कॉमन मुद्दे पर बात करने वाला हूं। दोस्तों देखिए, आप सभी लोग जो कि मैट्रिमोनियल विवादों में होते हैं, आप सबके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और कहीं ना कहीं आपके मन में प्रश्न भी होता है। भले ही आपकी पत्नी ने अभी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस किया या नहीं किया, लेकिन शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अपने मन में यह ना सोचता हो कि अगर वो ऐसा कर देगी तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा। अब इस चीज के लिए तरह तरह के अंदाजे वो लगाता है, तरह तरह के एजम्पशंस वो करता है और कुछ लोगों से सलाह भी लेता है कि भाई ऐसा है, मेरे को कितना मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब दोस्तों ऐसे में कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा में क्लियर किया है कि अभी दोनों ही पार्टी को अपने अपने एफिडेविट देने होंगे और अपने अपने एफिडेविट में अपनी अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को खोलना होगा। अकॉर्डिंगली कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि कितना मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इतने के बावजूद भी बात अभी बनी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल लेवल पे देखें, ग्राउंड रियलिटी देखें, तो बहुत से लोग जो कि जॉब कर रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं कि अब जॉब में नहीं है। यानी कि कुल मिला के चाहे लड़का हो या लड़की, वो एफिडेविट में चीजों को छुपा रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, एफिडेविट में चीजों को छुपाने के लिए आप अंडरटेकिंग देते हैं कि यदि आप इसमें कुछ छुपाते हैं या फिर कुछ झूठ बोलते हैं तो आपके ऊपर इन धाराओं में कार्यवाही हो सकती है। लेकिन उसके लिए सामने वाली पार्टी को ये साबित भी तो करना पड़ेगा कि आपने कुछ पर्टिकुलर चीज छुपाई है। लेकिन जो आप छुपा रहे हैं उसका अगर सामने वाली पार्टी को पता ही नहीं है तो वो साबित कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप उसमें डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि आपके पास वो प्रॉपर्टी है, और सामने वाली पार्टी को भी नहीं पता कि आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है और किस पर्टिकुलर जगह पर है, तो अब ऐसे में कैसे वो सर्च करेगा और कैसे उसके दिमाग में क्लिक होगा कि इस बंदे ने मेरे से अलग होने के बाद इस पर्टिकुलर जगह पर ये प्रॉपर्टी खरीदी है। तो कहने का मतलब बहुत सारी चीजें इतना होने के बावजूद भी ऐसी हैं जो लोग छुपा रहे हैं और छुपाई जा सकती हैं आसानी से। अब दोस्तों ऐसे केस में कई बार होता है कि जो मेंटेनेंस होता है वो लड़की के लिहाज से गलत लग जाता है या फिर कई बार होता है लड़के के लिहाज से गलत लग जाता है। यानी कि मैन सोचता है कि मेरा जो रीजनेबल मेंटेनेंस है वो है 50,000, लेकिन कोर्ट ने लगा दिया 90,000, तो उसको लगता है कि ये तो भाई गड़बड़ हो गया। तो ऐसे केस में दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूं। क्वेश्चन बहुत कॉमन है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा हो जो कि इस परिस्थिति से गुजरता ना हो, क्योंकि अगर मैट्रिमोनियल विवाद में हो तो और कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके ऊपर ये केस जरूर होगा। अब वो मेंटेनेंस जरूर मांगेगी आपकी वाइफ, चाहे वो 125 सीआरपीसी में जाके मांगे, चाहे वो डीवी एक्ट में जाके मांगे और चाहे वो सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जाकर मांगे। अब दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले आपको कि अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियां मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों प्रस्तुत मामले में जो पत्नी थी उसने सेक्शन 24 की एक एप्लीकेशन लगाई और जो फैमिली कोर्ट थी उसने 30,000 रुपए पर मंथ उसका खर्चा बांध दिया और दो बच्चे थे, प्रत्येक बच्चे के लिए 15,000 रुपए पर मंथ का खर्चा बांध दिया, ये मानते हुए कि जो हस्बैंड है उसकी पर्टिकुलर जो इनकम है वो 4,00,000 रुपए कोर्ट ने मानी और ये खर्चा बांध दिया गया। अभी दोस्तों ये हाल ही का जजमेंट है अक्टूबर 2021 का। अब ऐसे में हाई कोर्ट में गई पत्नी इसके लिए और हाई कोर्ट ने जब पूरी चीजों को देखा तो हाई कोर्ट ने कहा कि यहां पर फैमिली कोर्ट ने जो अपना ये मेंटेनेंस बांधा है इसे बांधते हुए एक्चुअल इनकम को ध्यान नहीं रखा है। दोनों ही पार्टीज ने अपनी अपनी एक्चुअल इनकम कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की है और एजम्पशंस के बेस पे बांध दिया गया है, तो ये चीज सही नहीं कही जा सकती। फैमिली कोर्ट जो भी मेंटेनेंस बांधेगी उसका रीजनेबल होना बहुत जरूरी है और इस मैटर को वापस फैमिली कोर्ट को रेफर कर दिया गया कि दोबारा से सही तरीके से इसमें इनकम और लायबिलिटीज का जायजा लेते हुए आप फ्रेश ऑर्डर कीजिए। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि फैमिली कोर्ट अगर कुछ गलत ऑर्डर कर देती है, मीन्स आपके नजरिए से गलत होता है, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। अगर हाईकोर्ट आपकी बात से सहमत होता है तो वो उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकती है या फिर उसको रिवाइज भी कर सकती है, और या फिर कई बार फैमिली कोर्ट को ही ऑर्डर दे सकती है कि भाई दोबारा से तथ्य को देखिए, सही तरीके से लेके आइए और फिर दोबारा से एक फ्रेश ऑर्डर कीजिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट निर्णय है, कॉमन निर्णय और काम आने वाला निर्णय है। आप लोगों के हेल्प के लिए इस जजमेंट की एक कॉपी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पूरा भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।